नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। टीकमगढ़ कलेक्टर के निर्देशन पर इन दिनों नगर में जगह जगह शिविर लगाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के बाद लोगों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था होती है और बड़े से बड़े रोगों का भी निःशुल्क इलाज अस्पतालों में किया जाता है। रविवार के दिन नए बस स्टैंड रोड कृषि विभाग के पास नगरपालिका के द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इस दौरान ऑपरेटर शुभम नायक राहुल अग्रवाल ने बताया कि रविवार के दिन नए बस स्टैंड कृषि विभाग के पास कैंप लगाया गया। इस कार्ड से प्रदेश के किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जा सकेगा। इस कार्ड के बनने से गरीब लोगों को इलाज कराने के लिए सहायता उपलब्ध होगी। शनिवार के दिन लगभग 200 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। नगर पालिका सीएम मैडम के द्वारा बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कब से बनाए जा रहे हैं और कितने अब लगभग कितने बार बन ये कैंप हर मतलब डेली पार्टी अलग अलग वार्डों में लगता है। उनके साथ जब जहाँ का ऑर्डर आता है वहाँ पर कैंप लगाया जाता है।